68 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की गणना का काम 48 केंद्रों में किया जाएगा। गणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इस विषय में मंडी उपायुक्त ने बताया कि मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी, साथ ही वेबकास्टिंग भी की जाएगी। उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि जिला की हर एक विधानसभा में वीवीपैट को खोला जाएगा और गिनती की जाएगी ताकि मतगणना संतोषजनक हो पाए। 18 तारीख को जो है हमारे यहाँ 9 नवंबर को जो वोट पड़े थे उसकी गिनती होनी है। हमारे यहाँ टोटल 10 स्ट्रांग रूम्स हैं और इन 10 स्ट्रांग रूम्स में ही जो है वो काउंटिंग की जाएगी। इसके लिए स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। हमारे पास टोटल लगभग 450 के करीब जो है वो स्टाफ इसमें डिप्लॉय होगा और सभी की ट्रेनिंग भी पूर्ण कर दी गई है। हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसके लिए भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी अलग अलग ऑब्जर्वर जो हैं वो आ रहे हैं। 10 ऑब्जर्वर आ रहे हैं और कुछ कल 15 को और मैक्सिमम ऑब्जर्वर जो हैं 16 तारीख को पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को सब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ही गाइडलाइंस के मुताबिक जो है पूरे इलेक्शन सेंटर में वायर मैश जो है 8 से 10 फीट का लगाया जा रहा है, जिसमें इलेक्शन काउंटिंग एजेंट्स होंगे वो उस मैच के पीछे बैठेंगे और बीच में जो है वो काउंटिंग स्टाफ होगा। सीसीटीवीज का अरेंजमेंट पूरे पैसेज में किया गया है, स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर तक, और वेबकास्टिंग जो है वो मैक्सिमम काउंटिंग सेंटर्स की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वीवीपैट, जितने नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर, मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 पोलिंग स्टेशन है, उसमें बाय वे ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट एक वीवीपैट या एक जो पोलिंग स्टेशन है उसका नंबर निकलेगा। उस पोलिंग स्टेशन के एक वीवीपैट को खोला जाएगा और उसके जो वोट्स हैं उनकी गिनती की जाएगी ताकि वो जो है वो जो एक्चुअल वोट मशीन पे पड़े हैं उसके साथ कंफर्म हो सके, ताकि सबकी संतुष्टि हो सके। वो प्रोविजन भी जो है इस बार किया गया है। साथ ही जब काउंटिंग समाप्त हो जाती है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि इस बार जो है जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसको चेक करने का, उसमें जो बार कोड्स लगे हैं बार कोड्स को पहले चेक किया जाएगा बाहर के लिफाफे में, फिर जो डिक्लेरेशन है उस उसकी डिक्लेरेशन की, और उसके बाद जो अंदर वोट पड़ा है उन तीनों का मैच किया जाएगा ये जानने के लिए कि कोई फिक्टिशियस वोट तो नहीं है। जब वो तीनों मैच करेंगे उसके बाद ही उसकी वैलिडिटी जो है वो पता चलेगी, इसलिए थोड़ा समय अधिक लग सकता है इन चीज़ों को वेरीफाई करने में। उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि गणना 18 दिसंबर को शुरू होगी और इस कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को फोन साथ ले जाने से पूर्णता प्रतिबंध होगा। 8 बजे जो है वो काउंटिंग स्टार्ट होगी और 8 बजे सबसे पहले जो है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जो है वो यदि पूर्ण नहीं हो पाती है तो भी 8:30 बजे से जो है ईवीएम को खोल दिया जाएगा, ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट कर ली जाए। मोबाइल फोन जो है बिल्कुल अलाउड नहीं है। 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। सेकंड टीयर तक ही हम लोग है मोबाइल अलाउ करेंगे, सेकंड टीयर के बाहर ही जो है मोबाइल को रखा जाएगा। किसी को भी अंदर मोबाइल को ले जाने की अनुमति नहीं है। और मैं ये भी थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि जितने टेबल लगे हैं वहाँ पे, मान लीजिए वहाँ पे काउंटिंग सेंटर में 14 टेबल लगे हैं तो 14 इलेक्शन एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे। उसके अलावा जो कैंडिडेट है या तो वो स्वयं काउंटिंग हॉल में रहेंगे या उनका कोई उनके बिहाफ पे एजेंट होगा, लेकिन एक ही दोनों में से एक व्यक्ति जो है रह सकता है, नहीं तो बहुत ओवरक्राउड हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत की जा रही है।